टीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनो प्लान बोल के, ये अब खुल के बोलूं पूरे बात मैं यहाँ पे, ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही है। तो आप फिर से लेगा कि बीमारी को रोकना होगा, शिद्दत के साथ आपको सामने आना होगा। एक दूसरी बात, केसिया साहब और भी कई बीमारियां अड्रॉप कर रहे थे, जैसे कि पहाड़े शरीफ के पास फॉक्सन कंपनी को, आईटी कंपनी को ला रहे थे, मलकपेट पे आईटी हब बना रहे थे। ये सारे चीजें हैदराबाद के सराउंडिंग जो है पांच छह बड़े मल्टी कंपनीज को लाकर हैदराबाद को बहुत ज्यादा माशियत में बदलना चाह रहे थे, डेवलप करना चाह रहे थे। तो आप किस्मत से गवर्नमेंट नहीं रही, तो आप रेवंत रेड्डी साहब को ये कहिए कि ये मूसी रिवर को छोड़ो, मेरी आवाम को फायदा होने के लिए, मेरे बच्चों को फायदा होने के लिए, मेरे कांसेंसी के लोगों को फायदा होने के लिए, आप जो है जो ऑक्शन कंपनी जो केसिया साहब ला रहे थे, मलकपेट में हाईटी हब बना रहे थे, बोलो उस पर आप दबाव डालो, आपको कौन मना कर रहा। आपका प्रॉब्लम यह होगा कि आप कंफ्यूज है, आपको करना क्या समझ में नहीं आ रहा। रेवंत रेड्डी साहब आपको दोस्त बनाना चाह रहा, मगर वही राहुल गांधी प्रियंका गांधी आपको एक अलग तस्वीर में तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी मोदी आरएसएस अम्बानी एक है बता रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की बिग शॉट लीडर्स, और वही रेवंत रेड्डी राहुल गांधी की पूरी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखते हुए अडानी को अपने पास बुलाते हैं, बिजनेस देते हैं, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किसके साथ रहना है।